गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन इन एसएसटी क्लास विद महेश सर। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी कंटिन्यू विद आवर रिवीजन एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेविंग। ये जो टॉपिक है स्विच से बिलोंग करता है और ये हमारा रिवीजन का फिफ्थ लेसन है। जैसा कि हम फोर लेसन ऑलरेडी डन कर चुके हैं, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए, जो कि हमारी स्विच से बिलोंग करता है, दैट इज द पावर सेविंग। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, पावर सेविंग एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, हमारी डेली वेज लाइफ से भी बिलोंग करता है। अब कैसे हमारी डेली वेज लाइफ से बिलोंग करता है, सिंपल सी बात है, पावर जो होती है अगर किसी एक पर्सन के हाथ में होती है तो सिंपल सी बात है वो जो होगा एक तरह से अपनी पावर का बहुत ज्यादा मिसयूज करेगा। इन दैट रीजन यदि हम देखें, स्पेशली हम डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात करेंगे, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सिंपल सी बात है देखने को मिलता है कि वहां पर एवरीवन सभी पर्सन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट होते हैं, जिससे कि वो गवर्नमेंट के फंक्शंस को भी वॉच कर सके, उनका जो सिस्टम है उसको भी पर्टिकुलर अंडरस्टूड कर सके। इन सब चीजों के लिए हमें ये कंसेप्ट फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। वैसे तो हम लेसन पहले ही डन कर चुके हैं, तो ये हमारा रिवीजन पोर्शन है। तो डियर स्टूडेंट, सही ढंग से इसको समझना, आई थिंक वैसे तो नॉर्मल सा टॉपिक है, पहले से कंसेप्ट इसके क्लियर होंगे, फिर भी हम इस टॉपिक को रिवाइज करा रहे हैं। क्लियर है? सो पावर सेविंग, तो यहां पर जो मेनली डिस्कशन किया गया है टू कंट्रीज के बारे में, और दो कंट्रीज जो है, फर्स्ट इज बेल्जियम जो कि यूरोप से बिलोंग करता है, और सेकंड वन है श्रीलंका। और दोनों ही अगर हम साइज के वाइज, साइज वाइज देखें या पॉपुलेशन वाइज देखें तो बहुत ही छोटे सी कंट्री है, लाइक दैट और हरियाणा हमारे हरियाणा के बराबर है, और तकरीबन पॉपुलेशन भी इतनी है, लेकिन दोनों ही एक तरह से इंडिपेंडेंट नेशन है। तो सबसे पहले तो हमें पावर शेयरिंग का कंसेप्ट समझना होगा कि पावर शेयरिंग क्या होती है। सो पावर शेयरिंग इज अ सिस्टम इन विच पावर डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल्स और ऑर्गन्स, जिसमें पावर का डिवाइडेशन एक या दो से अधिक पीपल्स में, ग्रुप्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में कर देते हैं, वो पावर शेयरिंग कहलाती है। जैसे कि हम नॉर्मली स्कूल का ही अपना एक कंसेप्ट देख लेते हैं, स्कूल के अंदर जैसे पता है कि भाई हमारे स्कूल में डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर ने कुछ पावर प्रिंसिपल सर को दे रखी है, कुछ पावर कोऑर्डिनेटर मैडम को दे रखी है, और कुछ पावर्स जो क्लास टीचर्स होते हैं उनको भी दे रखी है। यही सब क्या होता है? पावर शेयरिंग होता है। अगर ऑल पावर्स एक ही पर्सन के हाथ में हो तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हम सही ढंग से कंट्रोल ना कर सके। डिसीजन एक ही पर्सन लेगा तो बार बार हमें एक दूसरे उनसे, स्पेशली जिसके पास अथॉरिटी, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, हर बार पूछना पड़ेगा। इन दैट रीजन यहां पर पावर जो है वो शेयर कर रखे, जिससे कि वो अपने व्याप पर अपना डिसीजंस मेकिंग कर सके। सो यहां पर सबसे पहले हम दो कंट्रीज के बारे में, जैसे मैंने बताया दो कंट्रीज का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और सबसे पहला जो कंट्री है वो बेल्जियम है, बेल्जियम जो कि श्रीलंका के बराबर है। और इसमें सबसे पहले हम एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। एथनिक कंपोजिशन का मतलब है कि यहां पर जो पीपल्स है वो कैसे डिवाइडेड है, रिलीजन के व्याप पर है, लैंग्वेज के व्याप पर है, ठीक है, कास्ट के व्याप पर है, वो एथनिक कंपोजिशन होता है। तो यहां पर श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है वो 3 कैटेगरीज में रखा गया है, और इनका जो डिवाइडेशन किया गया वो लैंग्वेज के व्याप पर है। और बेल्जियम के अंदर 3 लैंग्वेज स्पोकन करने वाले ग्रुप्स के पीपल्स है, जिसमें फर्स्ट आता है डच, देन फ्रेंच, और लास्ट जर्मन। डच जो कि वहां पर वहां के नेटिव पीपल्स हैं, कंपोजिशन उनका सबसे ज्यादा है, लगभग 59%, 40% वहां पर फ्रेंच स्पोकन करने वाले पीपल्स हैं, और 1% का जो कंपोजिशन है वो जर्मन पर्सन्स है। कहने का मतलब है जो बेल्जियम का कंपोजिशन है उसमें 59% डच स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं, 40% फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स रहते हैं, और 1% जर्मन स्पीकिंग रहते हैं। तो यहां पर हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो आपका जो बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर भी
जैसे ही बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुआ तो यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि आखिर कंट्री के ऊपर रूल कौन करेगा, एक मेजोरिटी कम्युनिटी करेगी या फिर सभी मिलकर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डच का मेजोरिटी है, फ्रेंच बहुत ही कम थे, लेकिन फ्रेंच जो थे वो रिच थे, पावरफुल भी थे। इन द रीजन बोथ कम्युनिटी के अंदर रियॉर्ट स्टार्ट हो गए, झगड़े शुरू हो गए कि आखिरकार गवर्नमेंट को होल्ड कौन करेगा, कौन रूल्ड करेगा। इन सब को लेकर जैसे बेल्जियम, जैसे यहां पर मेंशन किया गया है, जो फ्लेमिश एरिया था बेल्जियम का, वहां पर डच पीपल्स रहते थे। वॉलोनिया रीजन के अंदर फ्रेंच पीपल्स, और जो डच पीपल्स है वो बैकवर्ड यानी पुअर कैटेगरी के अंदर कंसिडर होते हैं, और जो आपके फ्रेंच पीपल्स थे वो पावरफुल भी थे और रिच भी थे। कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फ्रेंच पीपल्स के हाथों में था। उसी तरह से जो बेल्जियम की कैपिटल है, बेल्जियम के कैपिटल के अंदर एथनिक कंपोजिशन थोड़ा अलग था, डिफरेंट था। जैसे कि हमने बताया कंट्री के अंदर जो डोमिनेशन था वो डच स्पोकन पर्सन का था, तकरीबन 59%। लेकिन जो वहां की कैपिटल है ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स के अंदर ये कंपोजिशन थोड़ा अलग था, और कंपोजिशन के अंदर 80% फ्रेंच पीपल्स थे और 20% डच पीपल्स थे। इन सब की रिगार्डिंग मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई आखिरकार कंट्री के ऊपर रूल कौन करेगा। सो यहां पर हम देखते हैं इस ये जो प्रॉब्लम थी उन्होंने किस तरह से सॉर्ट आउट किया, इस किस तरह से उन्होंने कंट्री को एक्योमडेट किया, मजबूत बनाया, इकट्ठा किया। तो इसके रिगार्डिंग कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किया गया इंडिपेंडेंट होने के बाद, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया। कितने बार अमेंडमेंट किया? 4 बार बदला गया। कब से कब तक? 1970 से 1993 तक। इन 23 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम चेंज कर दिया, अमेंडमेंट किया, बदलाव किया। जैसी सोसाइटी के अंदर सिचुएशंस हुई, पीपल्स की डिमांड रही, उसी के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव करते हुए चले गए, चेंजेस करते हुए चले गए, और इस तरह से ब्रुसेल्स के अंदर एक्योमडेट किया गया सोसाइटी को। आया समझ में? एक बार फिर से बता देता हूं कि ब्रुसेल्स के अंदर किस तरह से, किस वे में एक्योमडेट किया गया, और एक्योमडेट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया है। कब से कब तक? 1970 से 1993 तक। जो भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉर्ट आउट हो गई। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर ही कंट्री के अंदर नई गवर्नमेंट्स का भी फाउंडेशन किया गया। जैसे कि सिंपल सी बात है, हर एक कंट्री के अंदर 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है मोस्ट ऑफ, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर एक 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट और स्टार्ट की गई, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। क्या नाम दिया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ऑफ द न्यू मॉडल, एक नया मॉडल स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट का। कौन से वाला? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें किसी भी पार्ट में पीपल्स रहते हो वो अपनी कम्युनिटी के पीपल्स को ही इलेक्ट करेंगे, जिसमें हमारे भारत के अंदर उसको क्या कहते हैं? पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, पंचायत इलेक्शंस कहते हैं। आया समझ? वो वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से फेमस थी। नेक्स्ट है, इसमें और भी कई सारे बदलाव किए गए, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटी, बोथ कम्युनिटी से इक्वल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे सेंट्रल लेवल पर। कहने का मतलब है यदि वहां पर 100 पीपल्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो 100 में से 50% डच के होंगे और 50% फ्रेंच के होंगे। इजीली जो डिस्प्यूट था वो भी सॉर्ट आउट हो गया, और उसी तरह से ब्रुसेल्स को सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। ब्रुसेल्स को क्या बनाया गया? सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। उसका सेंट्रल लेवल से कोई मतलब नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली को भी क्या बनाया गया? सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। उसी तरह से बेल्जियम के अंदर भी ब्रुसेल्स को सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, और वहां पर भी वही मेथड अडॉप्ट किया गया। कितना? 50-50% का। जबकि ब्रुसेल्स के अंदर जो कंपोजिशन था, एथनिक कंपोजिशन था, वो किसका था? फ्रेंच का ज्यादा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, 50% पार्टिसिपेशन फ्रेंच का रहा और 50% डच का रहा, और इस तरह से कंट्री एक्योमडेट हुई। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग की गई, और पावर शेयरिंग कैसे की गई? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और जैसे कि हमने बताया एक नया मॉडल और उन्होंने लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट का, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। कौन सा है?
कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बेल्जियम के अंदर स्टार्ट की गई, ब्रुसेल्स के अंदर 50-50 कर दिया गया, कंट्री के अंदर 50-50 किया गया, जबकि कंट्री के अंदर मेजोरिटी डच की थी, माइनॉरिटी में फ्रेंच थे, लेकिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन 4 times चेंज हुआ उसमें बहुत कम्युनिटी एग्री हो गई कि भाई हम 50-50 पर पार्टिसिपेशन करेंगे, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। और इस तरह से बेल्जियम के अंदर जो लॉन्ग टाइम से चला हुआ डिस्प्यूट था वो ओवर हो गया और यहां पर क्या हो गई, पावर शेयरिंग हो गई, 50% पावर बेल्जियम के पास, सॉरी डच के पास चलेगी और 50% फ्रेंच के पास। अब कहते हैं कि जर्मन के पास में क्या रहा, तो जर्मन जो स्पीकिंग थे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो अपने कम्युनिटी के जो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट थी वो अपने पीपल्स को इलेक्ट करेंगे। आया समझ में? तो ये था बेल्जियम का केस जिसमें बेल्जियम ने अपने ऑल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया, बड़े आसानी से किया और कंट्री को एक्यूमडेट भी किया, मजबूत बनाया, जो एक तरह से बहुत कम्युनिटी के अंदर झगड़े चल रहे थे उस झगड़े को भी ओवर कर दिया। कैसे किया? कॉन्स्टिट्यूशन को 4 times चेंज करके, इक्वली पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके। अब सिंपल सी बात, यदि आधी पावर हमें मिले 50% और 50% दूसरे को मिले तो किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। ऐसा ही बेल्जियम के अंदर हुआ था जिससे कि पूरा ही डिस्प्यूट ओवर हो गया और कंट्री एक्यूमडेट हुआ। ऐसा समझ में? नेक्स्ट जो हम रीड करने वाले हैं, जो हम डिस्कशन करेंगे वो है श्रीलंका। श्रीलंका का केस जो है वो बेल्जियम की बिल्कुल अपोजिट है, कंट्री उतना ही है, हमारे हरियाणा के बराबर है, पॉपुलेशन भी तकरीबन सिमिलर ही है। ओके, अब यहां पर हम अगला जो डिस्कशन कर रहे हैं वो श्रीलंका के बारे में, और श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है वो तकरीबन बेल्जियम से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वो सिनाला की थी, और कितनी थी, 74% थी, 18% पर तमिल स्पीकर्स थे और तमिल स्पीकर्स 2 groups में डिवाइड थे, 13% जो वहां के नेटिव यानी श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% इंडियन तमिल्स थे जो कभी लेबर के टाइम पीरियड में, इमिग्रेशन एक्ट के टाइम पीरियड में भारत से श्रीलंका गए हुए थे, और नेक्स्ट जो क्रिश्चियंस थे 7% और बाकी के अदर रिलीजन से बिलोंग करने वाले, अदर्स हम कहेंगे लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले पीपल्स थे। ओके, तो इस तरह से श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन था, 74% सिनाला, 18% तमिल्स और 7% क्रिश्चियनिटी। आया समझ में? अब यहां पर हम देखते हैं कि ऐसा श्रीलंका के अंदर क्या हुआ जो कि उसको बेल्जियम से अलग करता है। जैसे कि श्रीलंका जो है हमसे 1 साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ है, कब हुआ है, 1948 में हुआ है, हम 47 में हुए थे और श्रीलंका 48 में हुआ है। तो कंट्री में भी यही प्रॉब्लम थी कि कंट्री पर रूल कौन करेगा, कैसे सिस्टम को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग श्रीलंका के अंदर एक एक्ट पास हुआ और ये एक्ट पास हुआ 1956 के अंदर, कब हुआ है, 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया, कहने का मतलब है एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म किया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट को मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया गया, जिसका मतलब था कि कंट्री में जिस का कंपोजिशन ज्यादा होगा वही कंट्री में रूल्ड करेगा। और उस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी, सिनाला स्पीकर्स की थी, हाउ मेनी परसेंट, 74%। कहने का मतलब है यहां पर रूल्ड कौन करेगा, सिनाला कम्युनिटी करेगी और इसके व्यापक मेजोरिटी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर दी गई 1956 के अंदर। सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया 1956 के एक्ट के व्यापक पर, बौद्धिस्ट जो रिलीजन था उसको नेशनल रिलीजन बना दिया गया और जो गवर्नमेंट जॉब्स थी स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल की, टॉप लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो भी रिजर्व कर दी गई, किसके लिए, सिनाला कम्युनिटी के लिए। इसके अगेंस्ट में तमिल्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, इसको बॉयकॉट किया कि भाई हमें भी गवर्नमेंट में शेयर चाहिए, पावर शेयरिंग चाहिए। और इसके रिगार्डिंग जैसे कि 1956 में एक्ट पास हुआ, तमिल स्पीकिंग स्पीकर्स ने इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करना शुरू किया और फाइनली रिजल्ट निकला 1960 के अंदर श्रीलंका में सिविल वॉर ब्रॉक आउट हो गया।
सिविल वॉर ब्रोक आउट का मतलब होता है कंट्री के इंटरनल पार्ट के अंदर वॉर होना, और वॉर जो है वो दो कम्युनिटी के बीच में होता है जिसको हम रियॉट्स भी कहते हैं। तो यहां पर सिविल वॉर ब्रोक आउट हो गया। सिविल वॉर किसके लिए था? पावर शेयरिंग के लिए था। किस ईयर में? 1960 के अंदर, जिसमें बोथ कम्युनिटी के थाउजेंड ऑफ पीपल्स की डेथ हुई, जिसमें सिनाला भी थे और तमिल्स भी थे। लेकिन इसका सॉल्यूशन लॉन्ग टाइम तक नहीं हुआ। इसके रिगार्डिंग तमिल्स ने ग्रुप बनाया लिट्टी के नाम से, तमिल एलम, और तमिल एलम का मतलब था कि भाई हमें सेपरेट स्टेट प्रोवाइड कर दिया जाए। जो कंट्री का मार्जिनल एरिया था, स्पेशली ईस्ट वेस्ट पार्ट, जो श्रीलंका का जो कोस्टल लाइन के नजदीक था, उस एरिया पर डिमांड की गई तमिल्स के थ्रू कि भाई हमें वहां पर एक सेपरेट स्टेट दे दो, हमें सिनाला के साथ में नहीं रहना। लेकिन वहां की जो मेजोरिटीज़म गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस डिमांड को डिनाई किया और फाइनल रिजल्ट क्या निकला? सिविल वॉर ब्रोक आउट हो गया। ओके, तमिल एलम स्टेट की डिमांड की गई, ग्रुप्स बने, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला और फाइनली तमिल्स की जो डिमांड थी वो डिनाई कर दी गई। कब? 2009 में पूरी तरह से जो श्रीलंका में स्ट्रगल था तमिल्स का वो ओवर हो गया। आया समझ में? तो ये था बेटा श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, पावर शेयरिंग की रिगार्डिंग, पीपल्स की डिमांड, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल के बावजूद वहां पर गवर्नमेंट मेजोरिटीज़म रही, एक ही कम्युनिटी रूल करती रही। और बेल्जियम में हमने देखा कि मेजोरिटी डच की थी, लेकिन फ्रेंच और डच में क्या रहा? इक्वली पार्टिसिपेशन रहा। आया समझ में? नेक्स्ट आता है व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। आखिरकार पावर शेयरिंग की हमें आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरत है? इसके लिए दो रीजन बताए गए हैं। पहला प्रोडेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। प्रोडेंशियल और मोरल रीजन बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमें पावर शेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडेंशियल रीजन की वजह से जो कंट्री के अंदर कंफ्लिक्ट होते हैं वो रिमूव होते हैं, कहने का मतलब झगड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल होती है, पीपल्स को राइट मिलते हैं अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करने का। इसके अलावा मोरल रीजन की अगर बात करें तो पीपल्स जो होते हैं वो फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। ओके, कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट होती है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, जिसके व्याप पर पीपल्स को भी पावर शेयर मिलता है। और यही कारण है कि हमें पावर शेयरिंग की डिजायरेबल होती है। किस कारणों से? दो कारणों से। पहला रीजन बताया प्रोडेंशियल रीजन, दूसरा बताया मोरल रीजन, जो कि हम आपको क्लास टाइम पीरियड में ही करा चुके थे और अच्छी तरह से कराया था, क्वेश्चन आंसर भी इसके डन कराए थे। क्लियर? नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की फॉर्म्स कितनी है? वैसे तो पावर शेयरिंग की मेनली टू फॉर्म्स होती है। हाउ मेनी फॉर्म्स? टू फॉर्म्स। फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि पावर्स जो होती है वो हाईएस्ट से कहां पे आती है? लोएस्ट की तरफ आती है, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, क्या? डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर शेयरिंग। और हॉरिजॉन्टल के अंदर जो पावर शेयरिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कहने का मतलब है सम पावर्स टेक ओवर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट्स। ये सब किस में आता है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में आता है। समझ में आ गया? और नेक्स्ट आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसका दूसरा नाम भी क्या है? चेक एंड बैलेंस है, जो कि वर्टिकली फॉर्म भी होती है, जैसे इसका नाम है, इस तरह से होती है। हमने इसमें बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। जो आपकी वर्टिकल पावर शेयरिंग है, इसके भी वर्टिकल पावर शेयरिंग का अनदर नेम चेक एंड बैलेंस भी, और इसको हम डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर डिवाइड करते हैं। और गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं मेनली थ्री होते हैं। कितने होते हैं? थ्री होते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी और थर्ड होता है एग्जीक्यूटिव। ये थ्री मेन ऑर्गन्स होते हैं। कितने होते हैं? थ्री मेन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। आया समझ में? तो ये थ्री मेन आपके ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट, जिसमें पावर डिवाइड की जाती है और
यहां पर चेक एंड बैलेंस कहते हैं, किसी के पास में अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। कहने का मतलब है लेजिस्लेचर के वर्क को एग्जीक्यूटिव्स चेक करते हैं फिर बैलेंस करते हैं, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव वर्क्स के जुडिशरी भी देखती है, अगर किसी तरह की कमी है तो उसको दूर करती है, ओके उसको चेक करती है, फिर फाइनली उसको बैलेंसिंग भी करती है। आया समय में? कितने फॉर्म्स होते हैं मेनली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होती है, और वर्टिकल पावर शेयरिंग को हम पावर डिवाइडिंग डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, जिसमें पावर्स मेनली थ्री ऑर्गन्स में डिवाइड होती है। पहला क्या बताया था, लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और जुडिशरी तो पता ही है हमारे कोर्ट्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है। किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कौन कराता है, सुप्रीम कोर्ट कराता है। ऐसे में भी इसके अलावा भी हम पावर शेयर करते हैं, और पावर शेयर किसको करते हैं, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो सोशल ग्रुप्स है हमारे, जैसे कुछ एनजीओज भी है, प्राइवेट एनजीओज, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको भी पावर दे रखी है। कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कुछ पब्लिकली इंटरेस्ट के लिए होते हैं, कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होते हैं, जैसे कि टीचर्स का भी एक ग्रुप है, लॉयर्स का भी एक ग्रुप है, ओके, डॉक्टर्स का भी एक ग्रुप है, ये सब किस में आते हैं, सोशल ग्रुप्स में आते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप्स, इनको भी पावर शेयर कर रखी है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी पावर दे रखी है। जैसे कि हमने देखा है, प्रैक्टिकली चीज है कि भाई गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ रूलिंग पार्टी ही रूल नहीं करती है, एक और जो ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम अपोजिशन पार्टी भी कहते हैं, और अपोजिशन पार्टी को भी उतनी ही पावर दे रखी है जितनी की रूलिंग पार्टी को होती है। कहने का मतलब रूलिंग पार्टी रूल रेगुलेशंस बनाती है, और उन रूल रेगुलेशंस को सही ढंग से इंप्लीमेंट कराना, उनको क्रिटिसाइज करना, अगर किसी तरह की कमी है तो उसको दूर कराना, ये सब फंक्शन किसके होते हैं, पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज के होते हैं, ठीक है। उसी तरह से प्रेशर ग्रुप है, जो अपोजिशन पार्टी वो एक प्रेशर ग्रुप का भी काम करती है, और उसी तरह से मूवमेंट ग्रुप भी है, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि गवर्नमेंट सही ढंग से वर्क कर सके। आया समझ में? तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग समझ में आया होगा कि पावर शेयर हम कैसे करते हैं, किस किस में करते हैं, क्या कारण है पावर शेयरिंग करने के लिए। इसके लिए हमने दो कंट्रीज के केस स्टडीज भी रीड किया है, जिसमें एक बेल्जियम है, दूसरा श्रीलंका, उनका एथनिक कंपोजिशन भी देखा, ओके तो आई थिंक समझ में आया होगा, ओके और इनके रिगार्डिंग नेक्स्ट डे में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी भेजेंगे, इनको लर्न भी करना है, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो आई थिंक घर पे ही होंगे, सेफ होंगे, और अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे, ओके बाय।